हेलो गाइस, तो कैसे आप सभी लोग, वेलकम बैक टू आवर गेम प्ले वीडियो। और आज इसकी वीडियो के अंदर हम खेलने वाले माइनक्राफ्ट, बट माइनक्राफ्ट में आज हम एक मॉड रिव्यू करने वाले, जिसको देख के आप भी हैरान हो जाओगे कि माइनक्राफ्ट में ये कब से आ गया। सो गाइस, मैं अभी एक विलेज के अंदर हूँ, और गाइस मैं बता रहा हूँ ये विलेज मुझे मिला नहीं, मैंने खुद को अभी फिलहाल टीपी किया है और मैंने अपना गेम रिस्टार्ट किया था। सो अभी आपको यहाँ पे कुछ टेलीपोर्टेशन का कुछ भी नहीं दिखेगा। और गाइस मैं तो फिर अभी इस घर के अंदर जाके, तो गाइस वीडियो पे तो हम बाद में जाएंगे, लेकिन विलेज में आए तो हमारी पुराने हर एक गेमर का यही काम रहता है, विलेज में आओ जस्ट लूटो। लेकिन गाइज मुझे लूट के कुछ फर्क तो पड़ने वाला है नहीं, क्योंकि मुझे जाना तो क्रिएटिव में ही, क्योंकि आज हम देखने वाले हैं माइनक्राफ्ट का सबसे बेस्ट ट्रेन मॉड। और गाइज उस ट्रेन मॉड को अगर मैं आपको कहूँ तो मॉड बहुत ही खतरनाक से मॉड है, और अगर मुझे ट्रेन बनाना है तो फिर मुझे 700 साल से तो ऊपर जरूर लग ही जाएंगे, इसलिए मुझे क्रिएटिव का यूज करना पड़ेगा, वरना आप समझ जाओ आपको अगर ट्रेन देखना तो फिर 300-400 साल तो आपको आराम से रुकना ही पड़ेगा। सो गाइज मैं भी इस विलेज के अंदर हूँ। गाइज यहाँ पे एक ब्लैक स्मिथ का घर है। भाई तू क्या ट्रेड कर रहा है, फालतू की ट्रेड। और गाइज मैं भी इसके घर के अंदर चिक कर लू भाई साहब। गाइज लक्की विलेज, और आपको मैं इसका सीड और कोऑर्डिनेट्स डोंट दिखा दे रहा हूँ। सो यहाँ पे लिख देता हूँ मैं सीड, और आप यहाँ पे कोऑर्डिनेट्स तो देख ही सकते हैं आप, आपको मतलब अच्छी खासी लूट मिल जाएगी यहाँ से। और गाइज मैं अभी फिलहाल को मेन ऑफ टॉपिक जाने की निंजा टेक्निक, हाँ बहुत फालतू जो है। सो गाइज अभी हम बढ़ते हैं हमारे मेन वीडियो की तरफ। सो गाइज मैं आपको बता दूँ, आपको अगर ये मॉड चलाना है तो फिर आपको बहुत ही ज़्यादा हैवी पीसी की ज़रूरत होगी, नहीं तो आप अगर लो एंड पीसी से कर रहे हो तो फिर आप भूल जाओ, आप चला सकते कुछ शायद से मैनेजमेंट करके, लेकिन लो एंड पीसी के लिए बिल्कुल नहीं, आपका पीसी दम भी तोड़ सकता है। सो गाइज मैं आपको अभी वो मॉड दिखाता हूँ। सो 3 2 1 हाँ गाइज आपने फालतू सी इन्वेंट्री है। और गाइज मैं आपको इस मॉड का डाउनलोड लिंक शायद से डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, या फिर मैं कौन सी जगह आपको ट्यूटोरियल सेंड कर दूंगा डिस्क्रिप्शन में, सेंड किसे करूँ लेकिन मैं, हाँ गाइज तो फिर मैं अभी फिलहाल का आपको मॉड दिखा देता हूँ। गाइज अगर आप इस मॉड को इंस्टॉल करो तो फिर आपको इतनी सारी चीजें मिलेंगी। सो गाइज मैं आपको अभी पहले यहाँ पे जो ट्रैक दिए जाएंगे उन ट्रैक को, गाइज ऑब्वियस बात है ट्रेन है तो ट्रैक के ऊपर चलेगी, ऐसा नहीं है कि तो हमारे जैसे रस्तों पे चल जाएगी। और गाइज मैं आपको बता दूँ, ये जो ट्रैक देख रहा हूँ ये कोई मामूली ट्रैक नहीं है, आपको इसमें लेफ्ट क्लिक लेफ्ट क्लिक करते हैं आपके सामने कुछ ऐसे मेन्यू आएगा, यहाँ पे से आप इसकी लेंथ चेंज कर सकते हो, 1000 तक ही रख सकते हो, लेकिन गाइस 1000 पे बहुत ज़्यादा लैग करेगा, क्योंकि आपका जो यहाँ से 1000 ब्लॉक्स दूर तक आपका वर्ल्ड जो है रेंडर होगा। और गाइस यहाँ पे ट्रैक स्टाइल डिफ्यूलेट, आप जैसे चाहे उसे ट्रैक स्टाइल भी रख सकते हैं, लेकिन मैं डिफ्यूलेट ही रखूँगा क्योंकि ज़्यादा अच्छा लगता है। सो गाइज मैं आपको अभी एक थोड़ा सा छोटा सा एक सिंपल सा ट्रेन का ट्रैक बन के मैं आपको दिखाता हूँ। गाइज मैंने यहाँ पे 140 ब्लॉक लंबा एक ट्रैक बिछा दिया है, जो कि गाइज बिल्कुल लंबा नहीं है, क्योंकि जो ट्रेन है ये 120 ब्लॉक्स पर सेकंड की स्पीड से चलती है, हाँ जो कि इसकी मैक्सिमम स्पीड बिल्कुल नहीं है। गाइज आपको यहाँ पे हजारों तरीके के लोकोमोटिव देखने को मिल जाएंगे, जिनकी स्पीड एक से बढ़कर एक है, जिसकी मैक्सिमम स्पीड जो है गाइज मैं आपको बता दूँ, यहाँ पे सबसे पावरफुल ट्रेन है उसकी मैक्स स्पीड है कितना है वैसे, रुको गाइज मैं मुझे देखने दो, हाँ गाइज तो यहाँ पे मैक्स स्पीड है 160 किलोमीटर पर आर, इसका मतलब 160 ब्लॉक पर सेकंड, जो कि गाइज बहुत ज्यादा फास्ट होती है। और गाइज मैं आपको मेरी फेवरेट ट्रेन दिखा दूँ, जो कि है GEB14 8W, पता नहीं क्या अजीब सा नाम है, लेकिन गाइज आपको इसको हाथ में लेते देख सकते कितनी मस्त फीलिंग आ रही है। गाइज तो मैंने अभी ट्रेन को रख दिया है, गाइज अभी तक रखा तो नहीं क्योंकि यहाँ पे प्लेस नहीं हो रहा है, यहाँ पे इसको काफी ज्यादा बड़ी जगह चाहिए होती है। सो गाइज मैं थोड़ा आगे आ चुका हूँ, ट्रेन को प्लेस कर देते हैं। और गाइज आप इसका लुक ही देख सकते हो कितना खतरनाक दिख रहा है। और गाइज अगर आपने ये मॉड एक बार डाउनलोड कर लिया ना, बकेट ऑफ बायो डीजल की जरूरत है, और गाइज ये एक बकेट में तो चलने वाले है नहीं, कम से कम आपको अपनी पूरी इन्वेंट्री भरनी पड़ेगी। और क्या मैं तो क्रिएटिव में हूँ, अभी 2 सेकंड में भर दूंगा। और गाइज आपको इसे भरने के, आपको इन्वेंट्री भरने के बाद आपको ट्रेन के ऊपर क्लिक करना है, फिर से एक और बार राइट क्लिक करना है, फिर इसके आपको इसके अंदर आपको धड़ाधड़ बिल्कुल ही एकदम मतलब भरते जाना है ऑयल, और जब इसका टैंक फुल हो जाएगा तब आपको असली मजे आएंगे इस ट्रेन को चलाने में। सो गाइज अब इसका बिल्कुल इंजन जो है फुल हो चुका है ऑयल्स के साथ, सो मैं अपनी इन्वेंट्री को खाली करता हूँ। और गाइज पहले जब मैंने इस मॉड को डाउनलोड किया था
मुझे एक साल तो इसे चालू कैसे करते हो समझने में लगे। और आपको कोई दिक्कत ना इसलिए मैं पहले बता दूं, आपको इंजन स्टार्ट करने के लिए आपको जो कीबोर्ड के कॉर्नर पे प्लस की है उसे एक बार क्लिक करना है और आपका वेट स्टार्ट हुआ। हाँ गाइस स्टार्ट हो चुका है, प्लस की दबा दे आपका इंजन स्टार्ट हो जाएगा और एक और बार दबाते बंद हो जाएगा। और गाइस आपका जो ये इंजन है ये अराउंड 80 सेल्सियस तक गर्म होगा, उसके बाद आपका ट्रेन चलेगा, उसके वरना उसके पहले आपका ट्रेन नहीं चलेगा। और गाइज बहुत तेज आवाज कर रहे हैं, और गाइज नहीं ट्रेन है तो आवाज ऑब्वियसली करेगी। सो आपको मैं मिलता हूँ 80 सेल्सियस होने के बाद। गाइज हमारा ट्रेन जो है स्टार्ट हो रहा है और मैं इससे कम से कम 100 ब्लॉक दूर आ चुका हूँ क्योंकि बहुत तेज आवाज कर रहे है। और गाइज शायद से अब हमारा इंजन जो है गर्म हो चुका है, यार इसकी आवाज बहुत अनोइंग है। सो मैंने इसे चालू कर लिया है और गाइज स्टार्ट हो चुकी है ट्रेन। सो हम इसके इंजन को और थ्रॉटल को बिल्कुल जीरो करने वाला हूँ। और गाइज हमारी ट्रेन स्टार्ट हो चुकी है यहाँ पे, और गाइज अभी हमारी ट्रेन 1 किलोमीटर पर आ रही है, यानी कछुए की स्पीड से भी कम चल रही है। और गाइज मैं आपको अगर इसको एक बार टेस्ट करके दूँ तो आपको इसे चलाने के लिए WASD बिल्कुल काम नहीं आने वाला है, इसे चलाने के लिए आपका नम लॉक काम आने वाला है। और गाइज नम लॉक के तो अलग ही मजे आते हैं जब उसे प्रेस करते। सो आगे चलाने के लिए 8 दबाना है आगे बढ़ाने के लिए, और 5 दबाओगे तो अपनी ट्रेन रुक जाएगी, 2 दबाओगे तो हमारी ट्रेन रिवर्स जाएगी, 7 दबाओगे तो ब्रेक लगेंगे, 4 दबाओगे तो ब्रेक हट जाएगा। और गाइज यही है मजेदार चीज। सो मैं भी ट्रेन को बहुत तेज लेने वाला हूँ, लेकिन ज्यादातर तेज नहीं क्योंकि सामने पटरी एंड होने वाली है। सो थोड़ी देर के अंदर हमारे पे ट्रेन होगी। सो मैं 7 और 5 दबाने वाला हूँ, 7 और 2 दबाया और गाइज ये हमारी ट्रेन रुक गई। और गाइज चलाने में काफी ज्यादा मजा आता है। और गाइज सो अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई है तो लाइक करना, अगर चैनल पे नहीं हो तो सब्सक्राइब करना, और मैं आपको आपसे मिलता हूँ ऐसी वीडियो के साथ। तब तक के लिए गुड बाय।